तो ये आप देख सकते हैं भाई, गौतम गंभीर पहुंच गए हैं यहाँ पर। विराट कोहली यहाँ पर आ गए हैं। विराट सर, विराट सर, सुनील, विराट सर, और ऋषभ को भी आप देख सकते हैं। भैया सामने लड़ जाए, सामने सामने। तो ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर जो पूरी की पूरी है, यू नो, अगर आप देखो पूरी यहाँ पर बहुत टॉप सिक्योरिटी है, क्योंकि एक तो ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर सबसे बड़ी वो ये है कि इंडियन टीम भी आ रही है। तो अगर आप पूरी तरीके से, यू नो, एक छावनी की तरह तब्दील है यहाँ पर, और इसके बाद अगर आप देखोगे ये टीम इंडिया के लिए बस खड़ी हो रखी है जो यहाँ पर मौजूद है, तो ये आपको यू नो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी जो है वो डिटेल्स यहाँ से दे सकें। अभी बाकी टीम ने आना है तो बाकी टीम का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी की जो तस्वीरें हैं, थोड़ा सा मीडिया भी है यहाँ पे, जो लोकल मीडिया है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। बाकी पीछे तक जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है वो सब टीम इंडिया का जो लाव लश्कर है, एक तरीके से जो पूरा मैनेजमेंट है, सपोर्ट स्टाफ है, मीडिया टीम है, जो सब कुछ है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं जो टीम इंडिया को लेने के लिए जो बस आई हुई है, उसके आगे जो पायलट व्हीकल चलेंगे, क्योंकि ये गाड़ी गई है और इसके पीछे सिर्फ एक सिक्योरिटी की गाड़ी गई है, जिसमें विराट, गौतम और ऋषभ जो दिल्ली बाउंड प्लेयर्स हैं वो आपको उसमें दिखाई दिए हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब कुछ और गाड़ियाँ आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, और फिर टीम बस आपको यहाँ पर जो है वो ये भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सो ऑल सेट, ऑल सेट फॉर टीम इंडिया। कानपुर अगर आप देखोगे ये अराइवल है, और बहुत बहुत छोटा सा लेकिन डिफेंस एयरपोर्ट है, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है पूरी तरीके से, और हम धीरे धीरे आपको सारी डिटेल्स देंगे इन चीज़ों को लेकर के भी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, और हम कोशिश